राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। बीना जी के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे हम दलिया। तो दलिया के लिए हमने ये दलिया ले लिया है, एक भर के बड़ी कटोरी। और ये सफल की मटर ले लिया हमने, उसको धो लिया अच्छे से। दलिया को धोएंगे अभी। एक आलू धो लिया है हमने काट के, और गाजर भी हमने धो ली, इनको काटेंगे छोटी छोटी। एक दो हरी मिर्च ले लिया हमने, और ये दो टमाटर ले लिया, एक प्याज ले लिया बड़ी। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटर काट लिए हैं अच्छे से, और ये गाजर भी काट ली, और ये दलिया भी धो लिया हमने। तो इसको छौंकने चलते हैं। तो हमने यहाँ गैस जला लिया, गैस पे कुकर रख लिया है। तो हमने यहाँ देसी घी ले लिया एक पलटा। देसी घी से ही बनाएंगे हम दलिया को। ये थोड़ा सा और ले लिया। तो घी गरम हो गया है, ये सबसे पहले हम प्याज भूनेंगे। स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक डाल लेते हैं, क्योंकि नमक से प्याज जल्दी भुन जाती है। नमक अभी ऐड कर देते हैं हम सारा। ये हमने दो चम्मच नमक डाल दिया। ये हमने हींग डाल दी थोड़ी सी, और जीरा हम अभी ऐड नहीं करेंगे इसमें। जीरा भुना हुआ रखा है हमारे पास, ऊपर से ऐड करेंगे जब ढक्कन बंद करेंगे जब। तो इसी में हम ये आधे टमाटर डाल देते हैं। दोनों चीजों को भुनने देंगे अच्छे से हम। तो अब इसमें हम गाजर डाल देते हैं ये सारे, और ये मटर भी डाल देते हैं, और ये आलू भी डाल देते हैं। सारा कुछ हमने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। अच्छे से फ्राई कर लेंगे हमें सारी चीज़ें मिक्स करके। तो यहीं पर हम ये देगी मिर्च डाल देते हैं थोड़ी सी। इसमें हम हल्दी का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, सारी सब्जियां। अब हम इसमें ये दलिया धुला हुआ रखा है, ये ऐड कर देंगे। तो हमने दलिया को यहाँ फ्राइड बनाया है, उबाल के नहीं बनाया। तो यहाँ पर हम एक बाउल पानी डाल देते हैं। जितना हमने दलिया लिया उतना ही पानी डालेंगे। अगर कम दिखेगा तो थोड़ा सा और डाल देंगे पानी हम। थोड़ा सा पानी अभी और डालेंगे हम। क्योंकि हमने ये गीला नहीं बनाना ज़्यादा। इस तरीके से चाहिए हमें ये। तो ये हमने यहाँ पर जीरा ले लिया है भुना हुआ।
जब उस टाइम घी ज़्यादा गर्म हो गया था तो उसमें जीरा जलने का डर था, तो हमारे पास भुना हुआ जीरा रखा है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ये और ये कुछ टमाटर हमने बचाए थे, आधे डाल दिए थे, आधे हमने छोड़ दिए थे, ये इस तरीके से इसमें डाल दिया हमने। ये थोड़ी सी हरी मिर्च है कटी, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी खाएंगे, तो हरी मिर्च को हम थोड़ा सा ही डालेंगे, छोटे छोटे। तो ढक्कन को हम बंद कर देते हैं कुकर को, ये कुकर हमने बंद कर दिया है। अब इसमें एक सीटी आ जाए तो गैस बंद कर देंगे, तो फिर मिलते हैं। चलो तो दलिया बन गया है, हम कुकर देख लेते हैं, तो चला लेते हैं हम दलिया को। तो इसको एक प्लेट में सब कर लेते हैं हम। तो फ्राइड दलिया हमने ये देसी घी में बनाया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। दलिया को आप भी इस तरीके से ज़रूर एक बार बनाना, बहुत ही टेस्टी दलिया बनता है ये, बनाना खाना और खिलाना। वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। और बताना हम वीडियो आपके लिए कौन सी लेकर आएँ, कमेंट में ज़रूर बताना ये दलिया की रेसिपी हमारी कैसी लगी आपको। बहुत आसान तरीका है, मिनटों में बन जाती है, जो घर में सब्जियाँ पड़ी हों उसी से बन जाता है दलिया, ये कोई टाइम नहीं लगता इसमें।